ब्लेसिंग एक आजादी है, बट आजादी के साथ साथ एक ये प्रॉब्लम भी आती है कि हमें अपनी ग्रोथ को सस्टेन रखना पड़ता है। यहाँ पर हम इम्प्लॉयज भी खुद हैं और बिजनेस ओनर भी खुद हैं, तो इसलिए हमें कुछ ऐसे प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है जिन पर फोकस करके हम अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 5 ऐसे कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको मस्ट फॉलो करनी चाहिए एज अ फ्रीलांसर, ताकि आप अपनी इस फ्रीलांसिंग की जर्नी को सस्टेन कर सके और आपकी ग्रोथ का जो चार्ट है वो इस तरह से शो होना चाहिए। मेरी बताई हुई स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप $5,000 से ज्यादा अपने क्लाइंट्स से कलेक्ट कर सकते हैं और उनको अपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में। डिजाइन एक गोल नहीं है, डिजाइन एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर आपके आइडियाज, आपके क्लाइंट के आइडियाज, आपकी डेवलपमेंट टीम के आइडियाज सब इंक्लूड होते हैं। उसके बाद काफी ज्यादा आइटरेशन के बाद एक फाइनल डिलीवरी प्रिपेयर होती है जिसको आगे जाके क्लाइंट डेवलपमेंट फेज में ले जाए। तो उसके लिए आपको पहली चीज, फर्स्ट स्ट्रेटजी जो अडॉप्ट करने की जरूरत है, दैट इज डाइवर्सिटी इन योर स्किल सेट, जो कि आपकी इनकम को काफी हाई लेवल तक इंक्रीज कर सकती है। अब ये डाइवर्सिटी आएगी कैसी? टू क्रिएट डाइवर्सिटी इन योर स्किल सेट, आपको अपने नॉलेज को एक्सटेंड करना है, कुछ वैल्यूएबल एसेट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। अगर तो आप लैंडिंग पेज की सर्विस दे रहे हो तो लैंडिंग पेज के अलावा आप उसको डेवलपमेंट की सर्विस भी दे सकते हो। इसके अलावा आपको डिफरेंट अगर फ्रंट एंड लैंग्वेजेस आती होंगी जस्ट लाइक HTML, CSS, JavaScript या फिर UX रिसर्च की मेथोडोलॉजीज आती होंगी, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और अगेन वही चीज के आपको UX UI डिजाइन सीखने के लिए कोई कोडिंग की लैंग्वेज लाइक सीखने की जरूरत नहीं है। यू कैन ओनली गिव UX UI सर्विसेज एज वेल, बट एक डाइवर्सिटी देने के लिए आपके स्किल सेट को, एक अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप अपने स्किल सेट के अंदर कुछ और एडिशनल चीजें भी ऐड कर सकते हो, जिससे आप क्लाइंट्स की ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑटोमेटिकली फिर आप जितना उससे चार्ज करोगे वो डेफिनेटली, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है, आपको पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, द मोर स्किल्स यू हैव इन द टूल किट, द मोर अपॉर्चुनिटीज यू विल हैव टू कमांड हायर रेट्स और सिक्योर बेटर पेइंग क्लाइंट्स। सेकेंड स्ट्रेटेजी इज टू स्पेशलाइज इन हाई डिमांड एरियाज। एक और तरीका जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा $5,000 को एक्सटेंड करने का, ये है कि आपने मार्केट एनालाइज करनी है और देखना है कि कौन से ऐसे हाई डिमांड एरियाज हैं जो कि जिसके अंदर क्लाइंट्स आपके ज्यादा स्ट्राइव कर रहे हैं। दिस विल इंक्लूड नीच मार्केट्स लाइक ई-कॉमर्स, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन, यूजर सेंट्रिक हेल्थ केयर एप्लीकेशंस। और जब आप एक एरिया के अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे और आप अपने आप को उस तरह से पोजिशन कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट डाल रहे हो कंटिन्यूसली एक नीच के अकॉर्डिंग, तो जो क्लाइंट होगा वो यही कंसिडर करेगा, ये स्पेशली डिजाइन इस डिजाइनर ने मेरे लिए या मेरी नीच या मेरे बिजनेस के लिए प्रिपेयर किया, जिसकी वजह से क्लाइंट को वो आप ज्यादा स्पेशलाइज उसके अंदर लोगोगे और आपके हायरिंग के रेट्स भी बढ़ जाएंगे। इससे पहले वाली एक वीडियो में मैंने ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि आप किस तरह से अपने लो बजट क्लाइंट को हाई रेटेड क्लाइंट में चेंज कर सकते हैं, सो गो एंड चेक दैट वीडियो। थर्ड स्ट्रेटजी इज टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। आज की इस दौर में मार्केट्स काफी ज्यादा सैचुरेट हो चुकी है, काफी ज्यादा कंपटीशन है, जिसके अंदर एज अ बिगनर स्टैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए आपने किसी एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना है, चाहे आप हैंस ले ले, ट्विटर ले ले, या लिंक्डइन ले ले, या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म ले ले, उसके ऊपर आपने अपने ऑडियंस इंगेज करनी है, पोस्टिंग करनी है अपने डिजाइन प्रोजेक्ट्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, यू कैन चेक दैट वीडियो टू। तो सोशल मीडिया एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एरिया है, एक नेटवर्क है, जिसके अंदर आप रहते हुए किसी तरह भी अपने क्लाइंट्स को पिंग कर सकते हो। तो ये तीसरी स्ट्रेटजी इज वेरी हेल्पफुल। फोर्थ स्ट्रेटजी इज नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन। आज के इस दौर में नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, दैट कैन इंक्रीज योर इनकम अप टू $5,000। इंक्रीज योर नेटवर्क, आप काफी ज्यादा कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक पर या डिस्कॉर्ड पर, लिंक्डइन पर, जहां पर आपको लगता है कि पीपल आर स्ट्राइविंग, दे नीड माय सर्विसेज एंड दे विल रेडी टू पे गुड अमाउंट। बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द डिजाइन कम्युनिटीज, पीपल आल्सो स्टार्ट टू रेफर यू। जब आप लोगों के साथ इंगेज हो रहे हो, सीनियर डिजाइनर्स के साथ इंगेज हो रहे हो, दे विल डेफिनेटली गिव यू प्रोजेक्ट्स टू, और आपके साथ वो कोलैबोरेशन करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको देंगे, आपको रेफर करेंगे। तो इन दिस वे यू कैन पिंग हाई पेइंग क्लाइंट्स एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस इन योर कैरियर। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी उस टाइम ये बातें बताने वाला मुझे कोई नहीं था, मुझे किसी ने ये चीज नहीं समझाई थी कि आप किस तरह से क्लाइंट को एक्स्ट्रा डिलीवर करके अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो, आप किस तरह से अपने
निश को, अपने डिजाइन को, अपने प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा स्पेसिफाई करके क्लाइंट्स को और ज्यादा इंगेज कर सकते हो। किसी ने ये नहीं बताया था कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर भी स्टिक हो जाएं, अगर आप फाइवर और अपवर्क के इस जार से निकलेंगे तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे। और नेटवर्क और कोलैबोरेशन तो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर लोग आपको खुद रेफर कर रहे होते हैं। और जहां तक बात प्रोजेक्ट्स की या क्लाइंट्स की है तो रिस्क एक ऐसी चीज है जो कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिया है, किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है। जो चीज आपके नसीब में है और जिस टाइम लिखा है वो उसी टाइम आपको मिल रही। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एंड कंटिन्यू टू डू वर्क एंड हार्ड वर्क, डू कोलैबोरेशन विद पीपल एंड एनहांस योर नेटवर्क। तो हमारी 5 स्ट्रेटजी जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। बाज़ोकात ऐसा होता है कि काफी क्लाइंट्स आते हैं, उनको नहीं पता होता है कि यूएक्स यूआई डिजाइन उनको किस तरह से हेल्प कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं डायरेक्ट हम डेवलपमेंट पर मूव करेंगे, वी डोंट नीड यूएक्स यूआई डिजाइन। वहां पर एक्चुअल में उनको एजुकेशन की कमी होती है। उस लेवल पर पहुंचकर या इस टाइप के क्लाइंट्स को हमें जस्ट उनको एजुकेट करना है, उनको कंसल्टेशन देनी है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के यूजर एक्सपीरियंस पे काम करोगे तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लीड्स को इम्प्रूव करेगा, आपके वेबसाइट के कन्वर्जन को इम्प्रूव करेगा, आपके यूजर्स की नेविगेशन को इजीली एंड स्मूथ बना देगा। इस तरह से हमने उनको एजुकेट करना है, उनको अपने यूआई के बेनिफिट्स दिखाने हैं कि ये आपके डेवलपर ने डेवलप की थी विदाउट यूआई डिजाइन। और जब आप यूआई करवाओगे, एक कंप्लीट इंटरफेस प्रिपेयर करोगे तो क्लाइंट को खुद ही उसमें डिफरेंस दिखेगा। सो समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन एंड कंसल्टेशन। कभी कभार हमें लोगों को अपनी वैल्यूज बतानी पड़ती है एंड वंस दे एग्रीड ऑन दैट देन यू कैन कन्वर्ट यूर लो पेइंग क्लाइंट्स इनटू हाई लेवल एंड हाई पेइंग क्लाइंट्स। सो इवेल्युएट यूर यूएक्स यूआई डिजाइन इनकम बाय एम्फसाइजिंग क्लाइंट्स एजुकेशन एंड कंसल्टेशन सर्विसेज। मेनी क्लाइंट्स मे नॉट फुली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ यूएक्स यूआई डिजाइन एंड यू आर द वन हु आर गोइंग टू एजुकेट देम। पहले आपको अपने आप को पोजीशन करना है एज अ ट्रस्टेड एडवाइजर के तौर पर, उसके बाद आपने उनको सर्विसेज देनी है। और जब उनके लगे हाँ यू आर राइट एज अ डिजाइनर, दे विल रेडी टू टेक योर सर्विस। सो दीज आर द 5 स्ट्रेटजीज जो कि मुझे किसी ने नहीं बताई थी और ये काफी लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगी हाई पेइंग क्लाइंट्स लेने में। ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्ट्रेटजीज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।